हाय गाइस दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था सुपरस्टार सिंगर सीजन 13 के बारे में। गाइस मैंने आप लोग को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया था एक एक करके कि आप लोगों को कितना मिनट का वीडियो अपलोड करना है, क्या क्या करना है, और डिटेल्स मैंने एक वीडियो बना के गाइस आप लोग को दिया था। अगर वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं गाइस उसको देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा गाइस। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोग को ऑल डिटेल्स वहाँ पर दिया था, और आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस कि आप लोग अपलोड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि बहुत भाई मुझे कमेंट किया था कि मेरा अपलोड नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत ही रिसर्च किया और AMR MP3 सब कुछ इस सब जितना हो सका मैंने आप लोग के लिए रिसर्च किया गाइज। AMR क्या होता है, MP3 क्या होता है, कैसे उसको चेंज किया जाए, या फिर गाइज PNG क्या होता है, JPG क्या होता है, ऑल डिटेल्स इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ एक एक करके गाइज। इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा गाइज। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो फॉलो। तो गाइस दिक्कत ये हो रहा है कि आप लोग AMR में कैसे चेंज करेंगे या फिर MP3 में कैसे चेंज करेंगे, वो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। और जैसे कि आप लोग को इमेज के बारे में बता दूँ, इमेज में दो फॉर्मेट बोला गया है, JPG और PNG। PNG में कैसे बदलेंगे या फिर JPG में कैसे बदलेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि JPG में कैसे चेंज करें या फिर ऑडियो को AMR में कैसे चेंज करेगा। मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग इमेज को आप लोग PNG या फिर JPG में आप लोग अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग को एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गाइस। प्ले स्टोर में जाके आप लोग एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है इमेज कन्वर्टर। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मेरा डाउनलोड किया हुआ है गाइस। यहाँ पे इमेज कन्वर्टर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट इस ओपन होगा गाइस ये वाला। उसके बाद यहाँ प्लस आइकन पे टच करना है, उसके बाद जो आपका इमेज है वहाँ पे लाना है गाइस। जैसे कि मेरा एक ही इमेज है, मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि मेरा एक इमेज है ये वाला गाइस, तो मैं ये वाला ले लिया। उसके बाद क्या करना है गाइस, जैसे कि सेव एज JPG, यहाँ पे JPG में कर सकते हैं, यहाँ पे सेव एज JPEG, यहाँ पे सेव एज PNG। तो यहाँ पे गाइस जैसे कि PNG में हम लोग टच करेंगे, तो यहाँ पे गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सेव्ड इमेज फॉर, तो यहाँ पे आप लोग जस्ट टच कीजिएगा, तो यहाँ पे जस्ट देखिए गाइस ये मेरा कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग शेयर भी कर सकते हैं। तो आप लोग ने जैसे कि देखा गाइस मैंने कन्वर्ट कर लिया हूँ, और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि मेरा हुआ है कि नहीं कन्वर्ट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जाके मेरा गैलरी में दिखा देता हूँ फ़ोटोज़ में। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सेव हो चुका है गाइस, यहाँ पे JPG और PNG दोनों में हो चुका है, इस तरह का इमेज सेव हो चुका है गाइस। तो मेरा जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो ऑडियो है वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं AMR में या फिर MP3 में। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि आप लोग MP3 में कैसे चेंज करेंगे ऑडियो को, और इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बताने वाला हूँ गाइस। जैसे कि एक आप वेबसाइट से आप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग को गाइस PC या फिर आपको डेस्कटॉप में करना होगा गाइस। उसके लिए आप AMR में बदल सकते हैं। तो आप लोग गाइस क्या कीजिएगा कि आप लोग मोबाइल से नहीं होगा गाइस, इसलिए आप लोग लैपटॉप या फिर आप लोग डेस्कटॉप से कर लीजिएगा गाइस। अगर आपका दोस्तों के पास या फिर किसी के पास दुकान में कंप्यूटर में जाइए, कंप्यूटर में होगा गाइस ये सब, तो आप उनको ऑडियो भेज दीजिए, उनको बोलिए कि आप AMR में कन्वर्ट कर दीजिए, जो मेरा ऑडियो है उनको बोलने से वो कर देंगे। उसके बाद अगर आप लोग अपलोड नहीं भी कर सकते हैं तो आप उनको थोड़ा बहुत पैसा दीजिएगा, 50-100, उसमें बोलिएगा कि आप मुझे इस तरह से मेरा जो है वो कर दीजिए, ऑडिशन मेरा है तो उसमें मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो उसमें आप कर दीजिए। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये मोबाइल से पॉसिबल नहीं हो रहा है गाइस मोबाइल से ऑडिशन देना। तो सो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग का अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, कहीं भी मोबाइल में या फिर लैपटॉप से जाके आप लोग ऑडिशन दिलवा सकते हैं गाइस, आप लोग ऑडिशन दे सकते हैं। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा, तो इस तरह से आप मेरे चैनल में जुड़े रहिए, और मैं इसके बारे में लाता ही रहूँगा वीडियोस। अगर आपका प्रॉब्लम होगा तो मैं लाता रहूँगा गाइस, इसलिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपका ऑडिशन नहीं होता है तो मैं इसके बाद दोबारा वीडियो बनाऊँगा, रिसर्च करूँगा, मोबाइल नंबर लेने का कोशिश करूँगा टीम का। तो थैंक यू, धन्यवाद गाइस। तो गाइस इतना कर लेने के बाद भी आपका अगर अपलोड नहीं हो पा रहा है तो मेरे चैनल में के साथ जुड़े रहिए गाइस, मैं कहीं ना कहीं से इसका सोर्स ढूंढने का कोशिश करूंगा गाइस।
चाहे मोबाइल नंबर हो या फिर कुछ भी हो, मैं ऑडिशन आप लोग को दिला के ही रहूँगा गाइज, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए गाइज। जब भी अपडेट आए आप लोग मुझसे जुड़े रहें ताकि मैं आप लोग को सब कुछ बता। गाइज यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं कभी भी अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत दे दूंगा गाइज, और मोबाइल नंबर कुछ भी मिले तो आपको मैं तुरंत शेयर करूंगा, तो इसलिए इस वीडियो में बने रहिए गाइज। थैंक यू।